गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हुर्रे। और आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि कल रात मैं एक YouTube में, जिसे मैं बहुत फॉलो करता हूँ, मिस्टर धर्मेंद्र कुमार, जिसका चैनल है माई स्मार्ट सपोर्ट, वो कोलकाता आ रहे हैं, तो मैं मिस्टर धर्मेंद्र कुमार को बहुत ही ज़्यादा फॉलो करता हूँ और उसी से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हुआ हूँ एक YouTube चैनल चलाने का। मैं ऐसा नहीं है, पहले नहीं चलाया हूँ, मैंने रिसेंटली मेरा एक YouTube चैनल, जो मैं लगभग 200 सब्सक्राइबर हो गए थे, वो YouTube ने स्ट्राइक करके फाइनली उसे डिलीट कर दिया है। रीज़न ये है कि मुझे रीज़न तो YouTube ने बताया नहीं है, पर मुझे लगता है कि मैं मोस्टली बहुत सारा वीडियो को दूसरे के वीडियो को एडिट करके उसी में कुछ अपने तरफ से कुछ भी जोड़ जाड़ के उसको वापस YouTube में डालता था। तो एक वीडियो पे मेरे बहुत ज़्यादा फेमस हो गया था, लगभग 1-2 लाख व्यूज़ हो गए थे, पर उसमें डिसलाइक बहुत ज़्यादा था, तो शायद उसी को देख के YouTube ने मेरे लास्ट चैनल को डिलीट किया, जिसका नाम था सर्च फॉर डेस्टिनी। पर कोई बात नहीं, अब एक चैनल डिलीट हुआ तो उससे मैं ज़्यादा दुख नहीं हूँ, पर अब मुझे सही तरीका से वीडियो बनाना है, सही गाइडेंस से वीडियो बनाना है। तो मैं धर्मेंद्र जी का चैनल को मैं बहुत फॉलो करता हूँ और उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, क्योंकि वो कोई बहुत बड़े प्रोफेशनल प्लेयर नहीं है, प्रोफेशनल यूट्यूबर नहीं थे, लेकिन बहुत ही कम समय पर वो बहुत ही अच्छा प्रोफेशनल यूट्यूबर बन गया और अभी तो काफ़ी मीटअप्स भी कर रहा है। और धर्मेंद्र जी कोलकाता आ रहे हैं ये सुन के तो मैं एकदम इतना ज़्यादा खुश हो गया हूँ कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। तो धर्मेंद्र जी, अपना के अनेक ही अनेक वेलकम टू कोलकाता। और अपनार जो ने रसगुल्ला अमर थे के निश्चय होवे, तो आप यहाँ पे आइए और हम लोग सबको मिलते हैं, आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और हो सकता है कि हम लोग को और बहुत इंस्पिरेशन भी मिले आपसे। तो आप बहुत ही अच्छा, मतलब एक नेचुरल वीडियो आप बहुत अच्छा बनाते हैं, मतलब कोई बहुत ही स्टूडियो आप नहीं बना रखते हैं, लेकिन फिर भी आप एकदम नेचुरल तरीका से वीडियो बनाते हैं, और जो नॉर्मली बहुत ही जन पसंद करता है, जिस कारण से आपका वीडियोस बहुत ही ज़्यादा फेमस हो जाता है और बहुत ज़्यादा आपको सब्सक्राइबर भी आपका बहुत जल्दी लगभग मेरे ख्याल से 2 लाख होने जा रहा है। तो अभी तो मैं फ़िलहाल मैं नया चैनल बनाया हूँ, सोशल गुरुजी, तो उस चैनल पे मैं अभी काफ़ी काम कर रहा हूँ और ये एकदम रिसेंट बनाया हुआ चैनल है, क्योंकि मैंने जैसे आप सबको कहा कि मेरा लास्ट चैनल सर्च फॉर डेस्टिनी जो डिलीट कर दिया गया था YouTube से, तो ठीक है। और हम लोग कोलकाता में जितने सारे धर्मेंद्र जी का चैनल के फ़ैन हैं, हम लोग सबको मिलते हैं इको पार्क पे और उनसे कुछ टिप्स लेते हैं। तो धर्मेंद्र जी, आपको यहाँ पे होटल का कुछ भी ज़रूरत पड़े तो आप मुझे, अगर आप कोई भी कारण से ये वीडियो मेरा देख पाए तो ज़रूर कमेंट करिएगा, मैं आपका होटल के लिए ज़रूर व्यवस्था कर दूँगा। और होप यहाँ पर आप 1-2 दिन कोलकाता में रहेंगे कि आपसे बहुत कुछ सीखने को मिले। और हाँ, और एक ज़रूरी बात जो आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर धर्मेंद्र जी आप कोई भी कारण से इस वीडियो मेरा देख पा रहे हैं, इको पार्क बहुत ही बड़ा जगह है, अगर उसमें आप कौन सा गेट से एंट्री ले रहे हैं, अगर सबको अगर आपका फॉलोअर्स अलग अलग गेट से एंट्री ले तो दिक्कत हो सकता है। तो आप एक स्पेसिफिक पॉइंट, जैसे कि वहाँ पे रोज़ गार्डन है, वहाँ पे वेट कर सकते हैं। अगर आप यही चीज़ आप अपने फेसबुक पे या यूट्यूब में, आपका कमेंट अभी थोड़ा बैड लक से वो बंद है, तो अब फेसबुक पे आप अगर आप वो मेंशन कर दें तो सब आपके फॉलोअर्स के लिए बहुत हेल्पफुल होगा कि हम लोग सब मिल पाए। तो आज एक दिन पहले, आज का दिन सैटरडे है और कल हम लोग मिलने वाले हैं, तो एक दिन पहले मैं ये आपको कोलकाता में वेलकम वीडियो बना रहा हूँ कि आपसे मिले। मेरा हाथ दर्द कर गया, फोन करना पड़े।
तो ठीक है, अभी तक के लिए इतना ही, और होप आप से मैं कल मिलूं, और बहुत एक्साइटेड हूँ उसके लिए, और बहुत ही जन से मिल पाऊंगा आपका फॉलोअर से, तो बहुत कुछ उन लोग से भी सीखने को मिलेगा। और ओके, तब थैंक यू, बाय।